हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द नानार टेक्निकल चैनल। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं उनराइक क्रेटा फेसडिप्ट के बारे में, जो इसका पेट्रोल वेरिएंट और इसके बेस मॉडल ई वेरिएंट के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। सो फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो बन रहे हैं, इसमें आपको डाउन पेमेंट, ईएमआई और इंश्योरेंस और अदर चार्जेस और डाउन पेमेंट कितना करना है उसके बारे में पूरी जानकारी हम आपको देंगे। सो फ्रेंड्स, आइए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हुंडई क्रेटा पेट्रोल बेस मॉडल ई वेरिएंट के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। इसका एक शोरूम प्राइस है 10,99,900 रुपये। RTO की बात करें तो RTO आपको पड़ने वाला है 1,16,863 रुपये। इंश्योरेंस की बात करें तो 45,300 रुपये टाटा AIG इंश्योरेंस इसमें इंक्लूड किया गया है। आपको इसमें अदर चार्जेस जो पड़ेंगे वो है 11,599 रुपये। टोटल कार का प्राइस निकल रहा है बेस मॉडल का 12,73,662 रुपये। अगर आप इसमें 2,00,000 रुपये का डाउन पेमेंट करते हैं तो बैंक इंटरेस्ट 9.8% के हिसाब से आपको लोन अमाउंट घटकर होने वाला है 2,00,000 डाउन पेमेंट करने के बाद 10,73,662 रुपये। इसमें आपको 5 साल की GMI बनेगी, वह है 22,707 रुपये। इसमें एक्स्ट्रा जो ब्याज के जरिए पेमेंट करने पड़ेंगे आपको वह है 2,88,736 रुपये। टोटल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट को जोड़कर अगर बात करें तो टोटल कार की कुल कीमत निकल के आने वाली EMI के जरिए वह है आपको 13,62,398 रुपये। इस तरीके से आपका ये 2,00,000 डाउन पेमेंट का आपको EMI पड़ने वाला है 22,707 रुपये। तो फ्रेंड्स, जैसे ही इस कार में आप 3,00,000 रुपये का डाउन पेमेंट करते हैं तो लोन अमाउंट आपका भैया घटकर वो होने वाला है 9,73,662 रुपये। बैंक इंटरेस्ट आपको 9.8% के हिसाब से रहने वाला है। 5 साल की GMI आएगी वो आपको आएगी 20,592 रुपये और इसमें एक्स्ट्रा जो ब्याज के जरिए पेमेंट करने पड़ेंगे वो है 2,61,843 रुपये। प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट को जोड़कर मैं टोटल कार की कुल कीमत बताने वाला हूँ 3,00,000 डाउन पेमेंट करने के बाद आपको पड़ने वाला है ये कार 12,35,505 रुपये। इस तरीके से आप अपने कार को परचेज कर सकते हैं और इसकी EMI देख सकते हैं आप। 2,00,000 डाउन पेमेंट मैंने किया तो इसकी EMI 22,707 रुपये हुआ और इसमें 3,00,000 मैंने डाउन पेमेंट किया तो आपको इसमें EMI बनी 20,592 रुपये। फ्रेंड्स, आइए इसके इंजन और माइलेज के बारे में बात कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, इसमें जो माइलेज मिलेगा आपको 18.4 KMPL का आपको माइलेज देखने को मिलेगा। इसकी इंजन जो है 1482 cc का आपको इंजन देखने मिलेगा जो पावर प्रोड्यूस करता है 157.57 BHP का पावर 5,500 RPM पे और टॉर्क पैदा करता है 253 Nm का टॉर्क 1,500 RPM से लेकर 3,500 RPM तक। इसमें फुल टैंक जो दिया गया क्रेटा में वो है 45 लीटर का। ग्राउंड क्लीयरेंस क्रेटा में आपको देखने को मिलेगा 190 mm का और गियरबॉक्स में आपको 6 स्पीड वाला मैनुअल गियरबॉक्स देखने मिलेगा। इसमें 4-व्हील ड्राइव का भी ऑप्शन दिया गया है। सो फ्रेंड्स, कार कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इसकी EMI आपको और भी जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट करें, इसके बारे में बता दूं। और आप कौन से शहर, कौन से सिटी से आप बिलोंग करते हैं तो वहाँ का आप सिटी टाइप करें और अपने एरिया का पिन कोड, मैं आपको वहाँ का EMI आपको बता दूंगा, वहाँ का ऑनर प्राइस बता दूंगा। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आज की वीडियो बस इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।